गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी विल डिस्कस फाइंडिंग फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग रिकर्सन। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल हमें निकालना है और रिकर्सिव फंक्शन के हेल्प से बनाना है। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था फैक्टोरियल जो है वो यूजिंग लूपिंग कंडीशन से मैंने बनाया था, आप उस वीडियो ट्यूटोरियल को जरूर देखें। तो चलिए फिर से रिकैप करते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। जैसे फैक्टोरियल, अगर हम फैक्टोरियल एन जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही है। जीरो के लिए जो है ये फैक्टोरियल जो होता है वन होता है ना, फैक्टोरियल वन जो है इसके लिए भी वन होता है, ठीक है। और अगर हम फैक्टोरियल थ्री लें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं थ्री इंटू फैक्टोरियल टू, फिर इसको हम लोग आगे भी लिख सकते हैं थ्री इंटू टू इंटू फैक्टोरियल वन, फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं थ्री इंटू टू इंटू वन। ऐसे अगर हम फोर को लिखें तो फोर जो है फैक्टोरियल फोर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं फोर इंटू फैक्टोरियल थ्री, एंड फिर फोर को हम लोग थ्री को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं थ्री इंटू फैक्टोरियल टू, फिर इसको लिख सकते हैं टू इंटू वन। तो यहां पर हम इस फंक्शन को अगर बनाए, फैक्ट नाम का फंक्शन को बनाए, फैक्टोरियल नाम का फंक्शन को बनाए, तो रिकर्सिवली इसको हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए इसको डिजाइन करते हैं फंक्शन को। तो यहां देखिए इंटीजर नाम का एक वेरिएबल रिटर्न टाइप हम बना रहे हैं, फैक्टोरियल फंक्शन है, फैक्टोरियल जो है ये फंक्शन है, फंक्शन नेम है, और ये इंटीजर वेरिएबल रिटर्न रिसीव कर रहा है एज एन आर्गुमेंट, ठीक है। यहां पर क्या है कि इफ अगर क्या नाम है एन जो है ये जीरो के बराबर है तो हम सिंपली रिटर्न कर जाएंगे, रिटर्न स्टेटमेंट हमारा होगा ये वन रिटर्न करेंगे, ठीक है। और नहीं तो एल्स पार्ट में हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट जो है हमारा होगा एन इंटू फैक्टोरियल फैक्टोरियल एन माइनस वन। देखिए ये फंक्शन जो है ये फंक्शन रिकर्सिव है, यहां पर ये खुद को कॉल कर रहा है, ये खुद को कॉल कर रहा है, इसीलिए रिकर्सिव फंक्शन है। फैक्टोरियल फंक्शन को डायरन करके फिर से देखते हैं। सपोज एन की जो वैल्यू है वो हम लेते हैं फोर, ठीक है। तो फोर जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, तो यहां पर देखिए ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, रिकर्सिव फंक्शन है, तो यहां पर हमारा होगा फोर इंटू फैक्टोरियल जो फंक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं एफ से। तो एफ फोर माइनस वन थ्री, ये फिर से फंक्शन को कॉल करेगा, अब ये थ्री लेके आएगा, ठीक है। जब थ्री लेके आएगा तो थ्री जो है वो जीरो के बराबर नहीं है, तो फिर से एल्स पार्ट में हम आएंगे। अब यहां पर थ्री इंटू, क्योंकि देखिए फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है और यहां पर इस स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा है ये, तो थ्री इंटू एफ एंड एन माइनस वन की जगह में क्या आएगा थ्री माइनस वन यानी टू, फिर से ये फंक्शन कॉल करेगा, रिकर्सिव है फंक्शन, अब ये टू लेके आएगा, टू भी जो है जीरो के बराबर नहीं है, तो फिर हम यहां आएंगे और फिर यहां पर ये फोर इंटू थ्री ये तो रह जाएगा और यहां पर टू जो है ये बाहर निकलेगा और एफ जो है फंक्शन फैक्टोरियल को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो टू माइनस वन फिर ये हो जाएगा वन, फिर ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है तब वन लेके आएगा। जब वन के लिए देखिए यहां पर भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर हम यहां आएंगे, यहां पर आएंगे तो फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इंटू वन माइनस एन का वैल्यू अभी यहां क्या है वन है, तो वन माइनस वन जीरो। अब क्या होगा फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है, जब ये कॉल हो रहा है तो एन का वैल्यू अब जीरो है, तो ये यहां से रिटर्न करेगा वन, यानी यहां पर हमको मिलेगा क्या फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, और ये फंक्शन जो है ये एन जब इनकाउंटर होगा जीरो तो हमें मिलेगा वन। तो देखिए फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व इंटू टू इंटू वन, तो हमें क्या मिल रहा है ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर, ठीक है। तो इस तरह से फैक्टोरियल फंक्शन जो है रिकर्सिवली ये काम कर रहा है। फैक्टोरियल फंक्शन के एग्जीक्यूशन को समझने के बाद में चलिए इसको हम लोग सी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। देखिए यहां पर मैंने फंक्शन बनाया है फैक्टोरियल नाम से, ठीक है, और ये रिकर्सिव फंक्शन है, ठीक है। और यहां पर ये फंक्शन जो है इसका प्रोटोटाइप जो देखे यहां पर इंटीजर ये रिटर्न कर रहा है और ये आर्गुमेंट में इंटीजर एन ले रहा है,
इफ कंडीशन में हम लोग रखे हुए हैं कि अगर एन जो है जीरो के बराबर है या तो एन जो है वन के बराबर है तो रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न करेगा वन को, क्योंकि हमें पता है कि फैक्टोरियल जीरो का भी वैल्यू जो है वो वन होता है और फैक्टोरियल वन का भी जो वैल्यू होता है वो वन ही होता है। ये जो कंडीशन है इसी को हम लोग रिकर्सिव फंक्शन में बेस कंडीशन बोलते हैं, और ये बेस कंडीशन जो है ये टर्मिनेशन कंडीशन ही होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे आते हैं एल्स पार्ट में। अगर क्या नाम है एन का वैल्यू जीरो नहीं है वन नहीं है तो यहां से जो है फंक्शन फैक्टोरियल फंक्शन रिटर्न करेगा, रिटर्न स्टेटमेंट है ये एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन। एन माइनस वन जो है ये देखिए फैक्टोरियल खुद को कॉल कर रहा है, ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है तो ये रिकर्सिव फंक्शन है। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं, ड्राई रन करके एक एक वैल्यू के लिए। अगर मान लीजिए कि हम अब थ्री आर्गुमेंट लेके आ रहे हैं तो ये कंडीशन इफ कंडीशन ये ट्रू नहीं होगा, तो एल्स पार्ट में आएंगे। एल्स पार्ट में आप देखिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, थ्री इंटू, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो थ्री इंटू फैक्टोरियल फंक्शन को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, थ्री इंटू एन माइनस वन, तो एन की वैल्यू तो थ्री है, थ्री माइनस वन यानी टू होगा। अब ये फिर फंक्शन जो है ये फिर खुद को कॉल करेगा, तो अब ये जो है ये टू लेके आएगा आर्गुमेंट में। टू के लिए भी ये देखिए ये फंक्शन जो है एन इक्वल टू जीरो एन इक्वल टू वन ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा। हम फिर सेल्स पार्ट में आएंगे और फिर से ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो हमें मिलेगा थ्री, तो पहले से था ही थ्री इंटू टू एंड टू इंटू फैक्टोरियल फंक्शन को एफ से रिप्रेजेंट किए हैं एफ एंड टू माइनस वन, यहां मिलेगा हमें वन। ठीक है, अब यहां से देखिए ये फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है, तो फिर से ये जब कॉल करेगा तो क्या नाम है हमें क्या मिलेगा, आर्गुमेंट में हमें मिलेगा वन। वन के लिए देखिए ये वाला जो कंडीशन है ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, यहां से रिटर्न होगा वन। जब ये रिटर्न होगा वन तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा थ्री इंटू टू इंटू वन ओके एंड वन इंटू, फिर से ये जब रिटर्न वन होगा तो फिर यहाँ वन मिलेगा। तो यहां से देखिए हमें मिलना क्या मिलेगा, क्या थ्री इंटू टू, थ्री टू जो सिक्स ये मिलेगा। तो ये फंक्शन को हम लोग अभी ड्राई रन करके हम लोग देखे भी थे। यहाँ देखिए मेन फंक्शन जो है, यहाँ मेन फंक्शन में वैल्यू वेरिएबल जो मैंने लिया है एन लिया है आर लिया है और एक मैसेज दिया है हम लोग इंटर एनी नंबर इंटर द नंबर, और यहाँ एन में इनपुट कर लिया है हम लोग। ठीक है, अब फैक्टोरियल फंक्शन को यहाँ पर देखिए कॉल किया जा रहा है। ठीक है, ये कॉलर फंक्शन है, कॉल किया जा रहा है और एन को पास किया जा रहा है। जो भी वैल्यू हम यहाँ से पास करेंगे उसको हम लोग जो है जो भी ये रिटर्न करेगा वैल्यू फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा उसे हम आर में रख लेंगे, और आर जो है इस आर को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एन के वैल्यू को देख रहे हैं, तो एन का वैल्यू जो इनपुट हुआ, जैसे सपोज कीजिए यूजर अगर डाल रहा है थ्री तो मैसेज में आएगा फैक्टोरियल ऑफ थ्री इज सिक्स। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग चलिए रन करके देखते हैं, रन कर रहे हैं यहां पर बिल्ड एंड रन। ठीक है, देखिए यहां इंटर द नंबर, यहां पर नंबर मांगा जा रहा है, अभी हम इनपुट कर रहे हैं थ्री, तो थ्री के लिए यहां देखिए आप जो है मैसेज क्या मिल रहा है, इंटर द नंबर थ्री और फैक्टोरियल ऑफ थ्री इज सिक्स। तो अभी ये जो हमें ये जो नंबर मिल रहा है आउटपुट जो मिल रहा है ये सही है हमारा। ठीक है, अभी हम और भी नंबर को एक बार और करके देख लेते हैं। ठीक है, यहां देखिए नंबर में अभी हम डाल रहे हैं सपोज फाइव अगर डाल रहे हैं तो यहां से हमें जो मिल रहा है नंबर, यहां देखिए हमें मिल रहा है इंटर द नंबर फाइव इनपुट किया गया है, फैक्टोरियल ऑफ फाइव इज 120, तो ये भी सही है। ठीक है, और वन के लिए और जीरो के लिए भी हम लोग देख सकते हैं, हम लोग अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए जीरो के जीरो डालें तो देखिए जीरो के लिए वन मिला, क्योंकि जीरो का जो फैक्टोरियल है वन होता है। ठीक है, इसके एग्जीक्यूशन को समझने के बाद में यहाँ देखिए यहाँ पर मैं पॉज किया हूँ, इस प्रोग्राम को आप बढ़िया से लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए,
और हमारे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। लाइक करने से हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है और हम आपको और भी अपकमिंग वीडियो जरूर अपलोड करेंगे, ठीक है। और घर में जरूर इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा सो दैट कि आपका भी प्रोग्रामिंग स्किल जो है वो डेवलप करे, कॉन्फिडेंस भी बढ़े, ठीक है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए, ठीक है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।